हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री और मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। मित्रों, हवन और यज्ञ का हमारे जीवन में बहुत महत्व है और ये जो मैं आपको हवन कुंड बता रही हूँ, ये मेरे हवन कुंड दो हैं। एक तो ये इलेक्ट्रिक हवन कुंड है, देखिए इसको, ये बिजली से चलता है, ये स्विच में इसको लगा दो स्विच बोर्ड में तो ये इस तरह का हवन कुंड बना हुआ है। और इसमें ये जो हवन की सामग्री आप इसमें रख के इसकी आहुति, इसमें आहुति देकर और हवन को संपन्न कर सकते हैं। इसी प्रकार से ये लोहे का बना हुआ हवन कुंड है और इसमें भी आप जो हवन की लकड़ी है और वो सारी चीज़ें इसमें, तो हालांकि मैंने ये अपने कपूर वगैरह रखे हुए हैं इसके अंदर, और कपूर है और ये सब सामान मैंने रख रखा है, लेकिन इस तरह से दोनों में हवन कर सकते हैं। और नवरात्रों में, क्योंकि हवन का विशेष महत्व होता है, नवरात्र संपन्न होने के बाद हवन करके, पूजन करके कन्याओं को भोजन वगैरह कराया जाता है, तो इस तरह के हवन कुंड बाज़ार में मिलते हैं। ये वाला जो हवन कुंड है, ये मैंने एक जवाहर कला केंद्र जयपुर में एक एग्जीबिशन लगी थी, जहाँ पर एक पर्सन ने स्टॉल लगाई थी, उन्होंने इसी तरह के हवन कुंड और अन्य सामग्री रखी हुई थी। तो आप चाहें तो ये इस तरह के हवन कुंड आपको मिल सकते हैं आपके भी नियरेस्ट, जो लोहे का सामान वामन बनाते हैं उनसे आप बनवा भी सकते हैं। और इस तरह के जो इलेक्ट्रिक हवन कुंड है, ये भी मिलते हैं मार्केट में, और हो सकता है आप अगर ऑनलाइन सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, तो आप कहीं से भी आप मंगवा सकते हैं, काफ़ी यूज़फुल होते हैं ये। और इस तरह के जो हवन होते हैं, इनमें नॉर्मली हम कपूर की, जैसे टिकिया वगैरह जलाकर, कपूर की जोत वगैरह जलाकर भी हम हवन कर सकते हैं बहुत सारी। हालांकि जो हवन की जो सामग्री, जैसे देखिए इसके साथ तो ये आई है, बाकी शीशी इसकी बॉटल आती है जिसमें कि हवन सामग्री होती है, वो भी मैं आपको एक अन्य वीडियो में दिखाऊंगी, मेरे पास वो भी है। और कई तरह की मेरे हवन सामग्री होती है, हालांकि हर ग्रह के हिसाब से भी हवन सामग्री होती है, लेकिन नॉर्मली जो हवन सामग्री होती है वो एक सामान्य होती है। और उसमें जैसे उसमें तिल हो गया, जौ हो गया, और चावल हो गए, और घी हो गए, शहद हो गया, इन सबको मिक्स करके हवन किया जाता है। और घी की जो गाय का शुद्ध घी होता है उनसे आहुति दी जाती है, घी से आहुति दी जाती है, तो इस तरह से हवन किया जाता है। और हवन की सामग्री में किस तरह से बनाएं आप, वो मैं आपको बनाना बताऊंगी, लेकिन आज मेरा उद्देश्य था कि मैं आपको इससे परिचित कराऊँ कि हवन कुंड इस तरह के होते हैं और आप घर में बना, मतलब आप हवन कर सकते हैं और बहुत आसानी से मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्ट की, ये तो फिर भी थोड़ा सा कॉस्टली है, ये 1000 के अराउंड है शायद, और ज़्यादा भी हो सकता है, मुझे अभी आइडिया नहीं, क्योंकि काफ़ी पहले का है मेरे पास में ये। और ये भी शायद 200-300 रुपए में होगा, कम ज़्यादा भी हो सकता है मित्रों, मेरे को इतना आइडिया नहीं, पर हाँ सस्ता है कुल मिला के ना, ये ज़्यादा रेट का नहीं है। और ये थोड़ा सा इलेक्ट्रिक वाला थोड़ा महंगा आता है, और इससे और बड़ा भी लेंगे तो और महंगा आता है, दोनों ही काफ़ी यूज़फुल हैं। तो इस तरह से आप नवरात्रों में हवन ज़रूर कीजिए और माँ का आशीर्वाद आप अवश्य ही प्राप्त कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।